आते हैं? ताई को पूछो, ताई को, ताई नहीं नहीं आप बताइए पहले, उनसे बाद में बात करेंगे। पानी कहाँ से लेके आते हैं आप? दूर भर लेना है, पेट्रोल पंप। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है। अच्छा तो जैसे 1 किलोमीटर लेके आते हैं तो 1 घड़ा आप लेके आते हैं, तो दिन में कितने चक्कर काटने पड़ते हैं आपको? 5-6 चक्कर काटने दिन में। अच्छा तो आपकी पढ़ने की उम्र है और आप क्या मेरा दिक्कत है? मेरे परेशानी हो गई थी, 4 लाख रुपया लगा के मैंने ठीक हुआ। अच्छा पेट में पानी भर गया था। अच्छा तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि काम नहीं करना, तो अभी वो एक घर खर्चा चलाती है बस। तो कर रखी है आपने? पढ़े नहीं की। अच्छा तो आपके मतलब पापा क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। करे तो कोई पढ़ाई करी कोई बात। अच्छा और आपने भी पढ़ाई की है? नहीं। आपने नहीं पढ़ाई की तो पढ़ाई नहीं की। देखिए दोस्तों एक चीज और है कि जब पढ़ाई नहीं करते तो कहीं ना कहीं शिक्षा की भी वजह है। जब शिक्षा नहीं होगी और जब शिक्षा से वंचित रहेंगे तो इन लोगों को आगे कौन उठाएगा? जब इनमें से कोई लोग पढ़ा होगा, जिसने पढ़ाई की होगी, तब तो वो दफ्तरों में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे। लेकिन बात वही है कि बस जब पढ़ाई नहीं होगी तो वो आगे कैसे बढ़ जाएंगे? तो धीरे धीरे इन जातियों का संरक्षण होना चाहिए। क्यों? नहीं, सही। आपका शुभ नाम क्या है? सुनीता। सुनीता नाम है। क्या वजह है? और इनकी देखिए झोंपड़ियाँ हैं, ये झुकी झोंपड़ी में ये रहते हैं। अब ये भी एक झोंपड़ी है, इसी झोंपड़ी में जो बरसात हो चाहे पानी हो, बरसात हो चाहे धूल भरी आंधियाँ हो, और ये इनके खाने पीने का जो है रसोई मान लीजिए। और सामने इन्होंने ये डेंचा भी बना रखा है, यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था है और नहाने खाने का जो है खुला है। तो सामने जो है सुनसान है बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान पड़ा है। देखिए और ये घास फूस की है, ये तो अगर जो भयंकर अगर आंधी आई तो ये तो उड़ जाएंगे। तो आज भी जो है ये झुग्गी झोंपड़े में रहते हैं। और सरकारें पता नहीं किस वजह से सरकारों की जो है आँख बंद पड़ी है। आगे मैं बताता हूँ, ये छोटे मोटे मवेशी भी रखते हैं और खुले में हैं। देखो ये आंधी हो या चाहे धूप हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो, सर ढकने के लिए एकमात्र जरिया है ये झुग्गी झोंपड़ियाँ। और इनमें ये अपना जो है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। और इस रेगिस्तान के थार के रेगिस्तान में धूल भरी आंधियों के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिलता। खाना है जो भी ये खुले में बनाते हैं। और ये एक छोटा सा देखो टेम्परेली है, ये भी छाया के लिए बनाए इन्होंने। और सामने ये बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी सी कुटिया है इन्होंने जो घास फूस की बनाई है, और ये भी घास फूस की कुटिया ही है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर इनका खुले में ही सामान ये पड़ा है, तो ये भी भीग जाएगा, ख़राब भी हो जाए। आपके साइड में क्या कुछ माहौल है? बहुत बढ़िया है। ये इसी प्रकार से रहते हैं झुग्गी झोंपड़े में या पक्के में रहते हैं? पक्के मकान है। पक्के मकान है। अच्छा आप यहाँ मजदूरी करने आए हो, क्या करने आए हो? नहीं यहाँ तो ऐसे आए। अच्छा ऐसे आए हो। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे जो समाज के लोग हैं अभी इस धरो की धरती में खुले में रहते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, सरकार को ज्ञापन देना चाहिए? करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप देखो युवा हो, जवान हो, पढ़े लिखे हो, तो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? मैं तो क्या बताता हूँ सर, इसको इनको पूछो। अच्छा। तो दोस्तों ये देखो बच्चे हैं, और ये बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं क्या सर? ये स्कूल जाने का ढंग देखो ना। हाँ तो अब ये जो बच्चे हैं ये चिलचिलाती धूप के अंदर जो है बैठे रहते हैं, और आने वाले समय में भविष्य क्या होगा, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों कहने का पढ़ने वाली इसकी उम्र है, और अभी आप देख सकते हैं कि इस बिल्कुल रेगिस्तान बंजर जो ये एक छोटा सा लमसम 1 से 1.5 बीघे का जो एरिया है, यहाँ पर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आपने पढ़ाई की है? आपने पढ़ाई नहीं की है। के खाने के लिए इसका पैसा बनाओ, इसका पीसा दो, आंधा आदमी कौन खाएगा? झोपड़ी में झोपड़ी देगा तो फोटो खोच दे जाओ, मोदी ने भेज दो के भाई भी इसका खादा है बुढ़ा का। तो इस प्रकार से हम एक बार फिर से यहाँ पर भाट परंपरा के लोगों के वीडियो आपके द्वारा हम शेयर कर रहे हैं, और नंबर जो है इन लोगों के मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं, अगर इनकी आप सहायता करना चाहते हैं और इनको किस तरह से यहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाए और आवास के लोगों के साथ जोड़ा जाए। तो इसी प्रकार से मैं गाँव में जाता हूँ और गाँव के वीडियो बनाता हूँ, तो आप हेल्प करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप हेल्प भी कर सकते हैं। तो ये जो भाट परंपरा के लोग हैं ये पुगल से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये पुगल से कितने किलोमीटर दूर है? पुगल से कितना दूर है? पुगल किलोमीटर दूर है ना। तो 2 किलोमीटर दूर ये पुगल से निकलते ही राइट साइड में ये जो एक बड़े टिल्ले के ऊपर जो है
ये भाट परंपरा के कच्ची झोंपड़ियां हैं, झुग्गी झोंपड़ी में ही रहते हैं सभी के सभी, छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस साइड में जो महिलाओं का संघर्ष है वो आपको देखने को मिलेगा। रेगिस्तान के दौरों में जहाँ पर मौत का मंजर है और धूल भरी आंधियाँ हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप आएँ और मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप आते हैं तो नीचे मैंने नंबर एक बार फिर से आपको मैं नोट करवा देता हूँ, तो इनसे पहले बात कर लेंगे, उनके नंबर भी हैं। आपके नंबर एक बार बोल दीजिए। 800-39-67-659। अच्छा, ये नंबर आपके हैं और क्या नाम से है? किशन, किशन कुमार जी भाट। हाँ। आ जाएगा अभी, पैसा नहीं चालू हुआ? नहीं नहीं भैया। अच्छा। तो बेचारा भूख मर रहा है, तो इसको कोई कुछ कुछ पैसा भेजो, यानी इसका खाता है ऐसे ऐसे ही को नहीं, अपने पंजाब नेशनल का हमारा खाता है, पंजाब नेशनल का, तो उन खाता में पैसा भेज दो, अपना आधार कार्ड में आ जाता है। बिल्कुल। मैं पहले आया, थोड़ा बहुत आया पहले अपने लॉकडाउन में, तो मैं लिया, तो अभी तो आता ही नहीं है, तो हम कोई खाओ, कोई कमाने वालों नहीं, कोई बात नहीं, बताओ कोई कोई गरीब लोगों और तो हाल ही माड़ी वे। तो और हमने कोशिश की और यहाँ पर एक बार फिर से आने की, और मैं बार बार यही कोशिश करूँगा कि बार बार यहाँ पर आएँ और लोग इनको जो सहयोग करें, ये भी हमारे समाज के हिंसा हैं और ये भी हमारे समाज के हिस्सा है, और ये भी और कहीं ना कहीं अगर ये जो है मजदूरी करते हैं, और मजदूरी का जो समय है वो नहीं रहा, क्योंकि 400 और 350 रुपये है मजदूरी, कितनी है? 400-350 यही है ना, तो उससे तो मतलब परिवार पालना चुनौतियों से कम नहीं है। परिवार पाल नहीं, बिल्कुल। तो मुख्य रूप से मैं कहूँ तो एक पानी की समस्या महन है, पानी की समस्या है। किरा घर में एक काम करे, किरा घर में दो करे, मेरा घर में एक सिर्फ मेरी लेडीज काम करती है, मेरे से काम होता नहीं है। अच्छा, ये पानी की परेशानी है। अच्छा, आपके दो बच्चे हैं ना? दो बच्चे। तो दोस्तों, ये आपका शुभ नाम क्या बताएं? किशन। किशन जो है, किशन भाट, किशन राम जी जिसका ऑपरेशन हो रखा है और इनके कोई प्रॉब्लम भी है ना, तो ये भी जो है घर पर अकेले मतलब फ्री बैठे हैं, क्योंकि काम तो इनसे होता नहीं है। तो इनके ही नंबर मैंने नीचे दिए हैं, तो इनको आप हेल्प करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर इनकी हेल्प कीजिए, और ये आपके लिए एक पुण्य का काम होगा। और इनके दो बच्चे भी हैं ना, आपके दो बच्चे हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये किस किन किन गए हैं? ये सब अलग अलग है। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब है कि पानी की समस्या जो है वो हमारी मुख्य रूप से पानी की समस्या है, और पानी की समस्या अगर सॉल्व हो जाए ना, उसके बाद में हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार लेंगे। तो पिछली बार हमने कवरेज की, तो उसके बाद में यहाँ के एसडीएम साहब जो कि उन्होंने एक या दो टैंकर यहाँ पर डलवाए थे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये झोंपड़ियाँ हैं। अब इन झुग्गी झोंपड़े में ये रहते हैं, और इन झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, और अभी सबसे पहले एक चीज़ और सूचित कर देता हूँ कि मैं जब आया था तो कई लोगों ने मुझे इनकी हेल्प करने को बोली थी, तो मैं गलती से इनके नंबर नहीं लेके गया था, तो आज मैं आया हूँ और इनकी कुछ राशि जो है मेरे पास आई थी, वो राशि इनको मैं देने आया हूँ कि कई लोगों ने जो है हेल्प की थी, तो छोटी मोटी लोगों ने हेल्प की थी, और आज मैं इनके नंबर ले लूँगा, फ़ोनपे और गूगल पे नंबर जो है वो स्क्रीन पे मैं डाल दूँगा। अगर अब आप हेल्प करना चाहते हैं 10-20-100-50, तो ये जो है पानी का जो है जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि सरकारें तो काम करती नहीं, तो इनको अपने पैसों से ही जो है काम करना पड़ता है, नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद में एसडीएम साहब आए थे हाँ। पानी दे के गए थे, टैंकर आया था पानी का, उसके बाद में नहीं आया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला बाद में, क्यों नहीं आया, आपने कुछ सूचना पहुंचाई? नहीं नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं पहुंची, हमने तो फिर मोल गिरवा के पीने लग गए। अच्छा, कितनी आबादी है यहाँ पर आपकी, कितने घर हैं? यहाँ 15-16 घर है। अच्छा, 15-16 घर हैं, और ये काम बस यही है दाड़ी मजदूरी का? हाँ, कमठाना ही करता है बस। अच्छा, सारे कमठाने काम करते हैं, तो कमठाना दाड़ी मजदूरी। 8 बजे जाते हैं कमठाने, 7:30 बजे वापिस आते हैं। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, और लाइट की? लाइट की व्यवस्था सरकार ने दी। अच्छा, लाइट की व्यवस्था कर दी, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं करी है? पानी की व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो ये झुग्गी झोंपड़ी आपकी, इसी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हो आप? इसी झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। तो ये आवास वाली योजना है वो नहीं आई आपके? वो नहीं मिली अभी तक। अच्छा, फॉर्म भरे थे आपने? फॉर्म भराया हुआ है। अच्छा, तो क्या कारण रहा उसका, कुछ पता चला? पता नहीं, वो तो अभी सरकार में आप ही जाने, अभी हम तो क्या बता सके। अच्छा, हम तो अनपढ़ आदमी है, ये हमारे को तो आता नहीं है, भाई जो आया होगा वो भी नहीं दिया होगा। अच्छा,
तो यहाँ पर आप 35 सालों से रह रहे हो। हाँ। और दोस्तों 35 सालों से ये रह रहे हैं और मूलभूत जो कि रोटी कपड़ा मकान है उनसे ये वंचित है। तो आखिरकार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन लोगों की जो आपने भावना समझी। और एक बार फिर से मैं इनके नंबर दे रहा हूँ, पिछली बार हमने नंबर नहीं दिए थे लेकिन आज जितनी नगद राशि मेरे पास आई थी वो मैंने एक्सेप्ट की थी, क्योंकि खाते में मैं अपने खाते में नहीं डलवा रहा था क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं और क्या समस्या हो सकती है। तो मैं अकेला आदमी तो ये चीज़ें मेरे जो है, मैं भी नया आदमी था, तो अब मैं वापस इसीलिए आया हूँ और ये वीडियो जो है दोबारा बनाए गए हैं। और किशन जी के नंबर मैंने दिए हैं और ये जो नगद राशि आई थी 2100 रुपये की वो इनको मैंने दे दी है और ये इनकी अमानत है। और ये जो नगद राशि आपका द्वारा दी गई है जो कि पानी की व्यवस्था के लिए जो है, पानी की व्यवस्था ये अपने पैसों से जो है टैंकर की व्यवस्था करवा लें। 2100 रुपये वैसे तो एक छोटी सी राशि है लेकिन आपने जो है 1 रुपया दिया, 10 दिए, 50 दिए, आप लोगों का एक बार मैं फिर से इनकी तरफ से मैं धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इनकी हेल्प करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके आप इनकी हेल्प कर सकते हैं।